करें उसमें डिवाइस स्टोरेज और एसडी कार्ड दोनों में जितने भी अनचाहे फोल्डर हैं सबको डिलीट करें। दोस्तों, आपको जितने भी फाइल हैं जो आपके काम के नहीं हो उन सबको डिलीट करना है। आप देख सकते हैं ये जितने भी फाइलें हैं ये सब जंक फाइलें हैं, तो इस सभी फाइलों को आपको डिलीट करना है। नेक्स्ट स्टेप, दोस्तों आप फिर से अपने सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन मैनेजर पे क्लिक कीजिए। आप देख रहे होंगे आपके मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन हैं सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको करना क्या है कि जैसे कि फेसबुक, फेसबुक पर क्लिक कीजिए। जब मैं फेसबुक इंस्टॉल किया था तो यह 12 या 13 एमबी का था, इस समय 250 एमबी हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि हम जितनी बार भी फेसबुक यूज करते हैं उसकी जंक फाइल बनती जाती है। तो हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं इसमें जंक फाइल 82 एमबी है, तो इसको क्लियर डेटा कीजिए दोस्तों, डिलीट कीजिए। दोस्तों आप और भी ऐप को इसी प्रकार से स्टोरेज में जा करके क्लियर डेटा करते रहें ताकि आपको स्पेस मिले और मोबाइल हैंग होना बंद हो जाए। मैं दावा करता हूं दोस्तों एक करने के बाद आपकी मोबाइल बहुत फास्ट हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेप, दोस्तों अब आप अपने सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद स्मार्ट मैनेजर पे क्लिक कीजिए। आप देख रहे होंगे अगर आपका सैमसंग का मोबाइल होगा तो इस तरह दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक ऑल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। यह जितनी भी जंक फाइल है सबको डिलीट कर देता है। नेक्स्ट स्टेप, अब जानिए सभी सेटिंग का बाप। ये सेटिंग करने के बाद सभी मोबाइल हैंग होना बंद कर देते हैं और एकदम नए जैसा हो जाता है, क्योंकि इस सेटिंग का काम ही है मोबाइल को नए जैसा बनाना। तो आप अपने सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद आप बैकअप एंड रिसीट पे क्लिक कीजिए। बैकअप एंड रिसीट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे फैक्ट्री डेटा रिसीट, इस पर क्लिक कीजिए। इसका काम क्या है, आपके जितने भी मोबाइल में डेटा हैं वह सभी को डिलीट करके नए जैसा बना देगा। तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल नए की तरह बनाना है तो रिसीट डिवाइस पे क्लिक करके आप नए की तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मोबाइल हैंग ना होने की सेटिंग। दोस्तों आप अपने मोबाइल में ओवर लोड ना रखें, मेमोरी खाली रखें और एप्लीकेशन कम से कम इंस्टॉल करें तो आपकी मोबाइल हैंग नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।